आज की इस कहानी में तीन किरदार हैं, भाई, बहन और भाभी। भाभी ने इशारा किया कि तुम्हारी बहन ने गलती की है। भाई उससे पूछने लगता है कि जो गलती की है आखिरकार गलती क्यों की है, किसके साथ की है। इसी सवाल का जवाब वो जानना चाह रहा था। बहन थी कि वो बोल नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि उसने कोई पाप थोड़ी किया है, उसने कोई गलती की ही नहीं है। उसके बाद भाई सोचता है कि ये बताना नहीं चाहती। उसको वो पीटता है, एक दिन पीटता है, दो दिन पीटता है, तीन दिन पीटता है, लगातार ऐसे ही पीटता चला जाता है और पीटते पीटते कब उसकी मौत हो जाती है पता ही नहीं चलता। जब ये बात पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है, यही बात जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोग इस घटना को लेकर इतने दुखी होते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ये घटना उनके घर में किसी के साथ हुई है। वाकई इस घटना को सुनने के बाद आपको भी बहुत ज्यादा अफसोस होगा। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। दोस्तों, कहानी है मुंबई की। मुंबई की एक जगह है ठाणे और इसी ठाणे की एक जगह है उल्लासनगर और इसी उल्लासनगर का एक मोहल्ला है जहां पर एक 30 साल का लड़का सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही नहाने के लिए बाथरूम में जाता है तो उसको जगह जगह पर बाथरूम में खून के धब्बे मिलते हैं। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर क्या बात है। नहा के निकलता है, अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या बात है, ये बाथरूम के अंदर जो खून के धब्बे हैं, खून के छींटे हैं, वो क्यों हैं। वो कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद वो जब अपनी ड्यूटी पर जा रहा था तो अपनी बहन से पूछता है कि क्या बात है। उसने अपनी बहन की तरफ देखा तो बहन के कपड़े ही थे जो ब्लड से सने हुए थे। बस उसने अपनी बहन को देखा और उसे ड्यूटी पर भी देरी हो रही थी, लेकिन जाते जाते बहन से बातचीत नहीं कर रहा था बल्कि पहली ही बार में उसने उसको थप्पड़ों से पीटना शुरू कर दिया कि ये सब क्या है, तुम किसके साथ अपना मुंह काला करा के आई हो। लड़की शांत थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या बात है, उससे क्या सवाल पूछा जा रहा है। लड़की की उम्र अभी 12 साल महज थी। इसके बाद उसे अपनी ड्यूटी के लिए जल्दी हो रही थी। यहाँ से सीधा ड्यूटी जाता है। ड्यूटी जाने के बाद उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि आखिरकार माजरा क्या है। तभी अपनी पत्नी को फोन करके कहता है, पत्नी से पूछता है कि जब तक मैं घर पर लौट के आऊं इससे पूछना कि आखिरकार क्या बात है, ये ब्लड क्यों आया, क्या दिक्कत है। अब वो ड्यूटी पर था। ड्यूटी से वापस जब घर लौट के आता है तो अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या मामला था, क्या है। इसकी पत्नी कहती है कि मुझे क्या पता, अपनी बहन से ही पूछ लो, तुम्हारी बहन का शायद किसी से चक्कर है। भाई ने ये बात सुनी और वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, फिर अपनी बहन को बहुत बुरी तरीके से मारना पीटना शुरू कर देता है। उस छोटे से कमरे में वो लड़की पिट रही थी और पिटते हुए उसकी आवाज़ उस चार दीवारी से बाहर नहीं जा रही थी, क्योंकि वो डर रही थी अगर आवाज़ बाहर जाएगी तो दूसरे लोगों को पता चल जाएगा और शायद उन्हें बुरा लगेगा कि आखिरकार बात क्या है। वो लड़की चुपचाप सहन करती रही और भाई से मारपीट सहन करती रही। मार खाते खाते रात हो जाती है, दोनों भाई बहन और पत्नी सो जाते हैं। अगला दिन निकलता है। दिन निकलने के बाद जब वो बाथरूम में जाता है, जाने के बाद देखता है फिर से ब्लड, कपड़ों पर भी ब्लड था। वो समझ ही नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि इसकी बहन कहीं किसी के साथ मुंह काला करा के आई है और उसके साथ कुछ इतना गलत हुआ है जो शायद नहीं होना चाहिए था। भाई ने ड्यूटी से छुट्टी ली और छुट्टी लेने के बाद अपनी बहन से पूछता है कि आज मुझे जो सच है वो बता दो, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा। बहन शांत रहती है। बहन को पता ही नहीं चल रहा था कि वो सवाल क्या पूछ रहा है, क्या पूछना चाहता है, कि आखिरकार वजह क्या है। उसके दिमाग में कुछ ऐसी बात नहीं थी क्योंकि वो 12 साल की बच्ची थी, उसके साथ पहली बार ऐसी वारदात हुई थी। अब उसके बाद भाई ने बहन को फिर से पीटना शुरू कर दिया। पास में एक डंडा रखा हुआ था, डंडे से उसको मारना शुरू कर दिया। वो रो भी नहीं पा रही थी क्योंकि यहाँ ना उसकी माँ रहती है और ना ही उसके पिता रहते हैं। माँ की पहले ही मौत हो चुकी थी और जब माँ मर चुकी थी तो बाप ने कहा था कि मैं गांव में ही रह लूँगा, तुम भैया और भाभी के साथ रहना। बाप ने भी यही सोचकर अपनी बेटी को उसके भाई के पास भेजा था ताकि वो अपने भाई के साथ रहेगी, भाभी के साथ रहेगी तो सुरक्षित रहेगी। लेकिन भाई को भी यही अफसोस था कि मेरे साथ रहने के बाद भी वो सुरक्षित नहीं रही, आखिरकार क्या बात है। भाई को गुस्सा आया और गुस्सा आने के बाद उसने फिर उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। दूसरा दिन भी निकल जाता है। दूसरा दिन भी निकलने के बाद उसकी पिटाई चल रही थी। उससे सिर्फ एक ही बात पूछ रहा था कि किसके साथ तुम अपना मुंह काला करा के आई हो, बस मैं यही जानना चाहता हूँ। उसने उसको फिर पीटा और उसके बाद फिर तीसरा दिन निकलता है। तीसरा दिन निकलने के बाद जब वो लड़की अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं थी तब उसने चिमटे को गैस पर गर्म किया
और गर्म करने के बाद अपनी बहन के पास जाता है। कहता है कि यदि तुमने कुछ नहीं बोला तो तुम्हारी जुबान को मैं इस चिमटे से खींच के बाहर निकालूंगा। वो इतना निर्दयी हो चुका था कि इसने अपनी बहन की जुबान को, उसके चेहरे को उस चिमटे से जलाने की लगातार बार बार कोशिश करता रहा। कभी शरीर के अलग अलग हिस्से पे उस गर्म चिमटे को लगाता था, तो कभी कमर पे लगाता था, तो कभी उसे मारता पीटता था। 3 दिन से लगातार वो लड़की प्रताड़ना झेल रही थी और 3रे दिन उसकी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि उसका भाई और उसकी भाभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। वो खुद ही कहने लगते हैं कि ये जानबूझकर बेहोशी का नाटक कर रही है। बेहोशी के नाटक करने के बाद उसने अपनी बहन को फिर से पीटना शुरू कर दिया। उसको इतना पीटा कि जब उसकी सांसें थमने लगी तब भैया और भाभी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो ये मर जाए। वहीं पास में ही उल्लासनगर में एक सेंट्रल हॉस्पिटल है। उस बहन को उस हॉस्पिटल में ले जाते हैं। डॉक्टर पुनीत होते हैं। डॉक्टर पुनीत पूछते हैं कि इसको काफ़ी चोटें आई हैं, आखिरकार क्या वजह है। तो कहते हैं कि थोड़ा जल गई थी, पता नहीं कैसे जल गई थी, ये बेहोशी की हालत में है, आप इसका इलाज कर दीजिए। डॉक्टर ने जब उसकी नब्ज़ को टटोलना शुरू किया, जब उसको कुछ दवाइयाँ देने की कोशिश की तो उसके दिल की धड़कनें भी रुक गई थी, उसके हाथ की नब्ज़ भी रुक चुकी थी। ये समझो कि वो लड़की मर चुकी थी। उस मरी हुई लड़की को ही हॉस्पिटल लाया गया था। डॉक्टर ने कहा कि आखिरकार तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ था, बस मैं यही जानना चाहता हूँ कि आखिरकार इतनी चोटें शरीर पर, उसकी पीठ पर, उसके सिर में, उसके हाथों पर, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं है, जहाँ पर उसकी पिटाई के निशान नहीं है। डॉक्टर जब सवाल करता है तो वो जवाब नहीं देता। तभी उसको लगता है कि कुछ ना कुछ बात ज़रूर है। डॉक्टर पुनीत उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं। पुलिस से कहते हैं कि एक पेशेंट की अचानक मौत हो गई है, मौत का कुछ कारण है और आप इसका पोस्टमार्टम कराइए, उसका पता करने की कोशिश कीजिए। पुलिस मौके पर आती है। उस लड़की के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम से रिपोर्ट जब आती है तो पता चलता है कि 3 दिन से लगातार उस लड़की को प्रताड़ित किया जा रहा था और प्रताड़ित करने की वजह थी उस लड़की को ब्लड बह रहा था, कभी बाथरूम में तो कभी उसके कपड़ों पर छींटे दिखाई दे रहे थे। यही बात भाई को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब इसके बाद पुलिस ने उसके भाई से पूछने की कोशिश की तो उसने कहा कि मेरी बहन का किसी से अफेयर था, उसने किसी के साथ अपना मुंह काला किया है, इसलिए इसको लगातार ब्लड बह रहा था। इसके बाद यहाँ मनोचिकित्सक को बुलाया जाता है। डॉक्टर्स की टीम इकट्ठा होती है और इकट्ठा होने के बाद बस यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार बात क्या है। तो पता चलता है कि उस लड़की को पहली बार पीरियड्स आए थे, महावारी आई थी, महावारी होने की वजह से उसको पीरियड्स आए थे, उसका ब्लड बह रहा था और भाई समझ रहा था कि उसका अफेयर है। भाभी जानती थी शायद इस बात को, लेकिन भाभी ने जानबूझकर अपने पति को बजाय समझाने के उसको भड़काना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारी बहन का अफेयर है। जब पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराया तो पोस्टमार्टम कराते हुए डॉक्टर्स भी रोने लगे क्योंकि वो लगातार 3 दिन से अपने सगे भाई की मारपीट के प्रताड़ना को झेल रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ये बोलने की कोशिश क्यों नहीं की, समझ में नहीं आ रहा था कि उसने बाहर लोगों से मदद मांगने की कोशिश क्यों नहीं की, क्योंकि उसकी माँ और उसके पिता बहुत दूर रहते थे। उसकी माँ की तो मौत हो चुकी थी, माँ के मरने के बाद ही पिता ने भैया के साथ बहन को भेजा था ताकि वो उसके पास रहेगी तो वो सुरक्षित रहेगी। लेकिन भाई अपनी बहन की इस बीमारी, इस समस्या को समझ ही नहीं पाया कि ये एक ऐसी समस्या है जो हर औरत को देखनी पड़ती है, हर औरत को इस समस्या से गुजरना पड़ता है। ये समस्या ना हो तो इस सृष्टि का निर्माण ना हो, और कह सकते हैं कि जिसको ये समस्या नहीं होती तो उसके यहाँ बच्चा पैदा होने में भी दिक्कत आती है। वो लड़का खुद शादीशुदा था, उसकी पत्नी चाहती तो सही बात उसके सामने रख सकती थी और उस लड़की की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन जान नहीं बची। फिलहाल पुलिस ने उस महिला को हिरासत में लिया हुआ है, उस लड़के को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है। जब यही बात लड़की के पिता को पता चलती है तो पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, और जब यही बात सोशल मीडिया पर, अखबारों में आती है तो खासकर उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती है जिनके घरों में बेटियाँ हैं, जिन लोगों को ये मालूम है कि हर लड़की इस तरह की समस्या यानी कि पीरियड से होकर गुजरती है, किसी को 11 साल में तो किसी को 9 साल में। आजकल के जो आंकड़े हैं उसमें कम उम्र में ही ये समस्या शुरू हो जाती है, और उस भाई ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि आखिरकार क्या वजह है। उसे डॉक्टर के पास ले जाता तो शायद उसकी जान बच जाती। उस बेवकूफ़ इंसान के, उस मूर्ख इंसान के समझ में आ जाती है कि उसकी बहन को कोई वैसी दिक्कत नहीं है, किसी के साथ अफेयर नहीं है, बल्कि पीरियड्स हुए हैं, जो किसी भी लड़की को होना आम बात है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, जिन घरों में बहन है, बेटियां हैं, तो वो कम से कम ये जान लें कि ये समस्या किसी के साथ भी हो सकती है, इसलिए भड़कने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है,
जरूरत है तो उस समस्या होने पर किसी डॉक्टर के पास ले जाने की या किसी से सलाह लेने की। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं किसी दूसरी कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।